हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। हमारा टॉपिक कंटिन्यूड मैनर में चल रहा है, तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि फेज्ड मैनर में कैसे होता है। देखो, जो लास्ट वाले आपके नोट्स हैं ना, उनको रेफर करते हुए चलना। मैंने आपको बताया था ना कि एग्रीकल्चर में 18% है, और एग्रीकल्चर में 18% फिक्स्ड है। मैंने आपको बताया था जो एग्रीकल्चर में 18% फिक्स्ड है वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए भी है। फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनके लिए नहीं है। RRBs के लिए भी 18% है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए भी 18% है, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नहीं है। ठीक है, अब जो ये 18% है ना, इसमें भी आगे फर्दर बाइफरकेशंस की हुई हैं। 18% में से 10% कंपल्सरी है कि वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को दें। ठीक है, ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो जितना मर्जी दे सकते हैं, कि 18% में से मिनिमम 10% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को दें, और 8 अदर्स किसी को भी दे सकते हैं। अगर आपको याद होगा ना, हमने पहले यहाँ पे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की डेफिनेशन में लिखा था कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास जो लैंड है वो 2.5 एकड़ होनी चाहिए या 1 हेक्टेयर होनी चाहिए, जो दोनों का मतलब सेम ही है। और स्मॉल फार्मर्स क्या है, जिनकी लैंड अप टू 1 एकड़ है या फिर 2 हेक्टेयर तक है। ये मैंने आपको डेफिनेशन पहले बता दी थी। तो जो एग्रीकल्चर का 18% है ना, उसमें भी इन्होंने फिक्स कर दिया कि 18% में से 10% तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जाएगा मिनिमम, उसके अलावा 8% वो किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, अब फेज मैनर कैसे है, आप ना ये चीज़ गांठ बांध लो कि जब भी मैं बोलूँगी 18%, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो एग्रीकल्चर है जहाँ पे भी 18 आएगा, और जो वीकर सेक्शंस हैं जहाँ पे भी 12 आएगा, वहाँ पे हम फेज मैनर की बात करेंगे। 18 आएगा और 12 आएगा। ठीक है, अगर वीकर सेक्शन के केस में 12% और एग्रीकल्चर के सेक्शन में 18%, तो फेज मैनर का मतलब है 2020-23 और 2024 में उन्हें वो टारगेट अकम्प्लिश करना है। कितने में? 2020-23 और 2024 में। इसमें क्या है, जो 10% है ना, 18% का 10% वो फेज्ड मैनर में है। मतलब मैं आपको समझाती हूँ डिटेल में क्या है, कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 का इनका टारगेट 9% था, 2022 से 2023 तक 9.5% था, और 2023 से लेके 2024 तक 10% है। मतलब जो मैं 18% बोल रही हूँ, ये सब विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2024 तक ही है। जो अब वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, उसमें इनके लिए ऐसे है कि अगर ये 18% दे रहे हैं तो 9.5% ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को देंगे, और 9.5% अदर्स को दे, सॉरी 9.5 नहीं बनेगा, वो बनेगा 8.5% बनेगा, 8.5 वो अदर्स को दे सकते हैं। ठीक है, बट जो मेन टारगेट, अल्टीमेट टारगेट है, वो 18% में से 10% मार्जिनल को देने का है और 8% अदर्स को देने का है। ये फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए है। वैसे ही जो वीकर सेक्शन का टारगेट है वो 12% है, बट जो अल्टीमेट टारगेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 तक है इनका टारगेट। इस फाइनेंशियल ईयर में इनका टारगेट 11.5% ही है। मतलब अब वाले से जो मेन टारगेट है ना, उससे 0.5% कम ही है। तो हमें अल्टीमेट ही याद रखना होता है। अगर वो पूछे ना आपसे, एग्जामिनर बाई चांस पूछ ले वो इंटरव्यू में कि अब करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना है, तो अब करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीकल्चर का है तो 18%, पर उसमें से अब के फाइनेंशियल ईयर में 9.5% स्मॉल और मार्जिनल के लिए है और 8.5% अदर्स के लिए है। और ऐसे ही वीकर सेक्शन के लिए अल्टीमेट टारगेट तो हमारा 12% ही है, पर वो अल्टीमेट टारगेट हमें कब अचीव करना है, 2023 और 2024 में फाइनेंशियल ईयर। बट फिलहाल जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022 और 2023, इसमें 11.5% ही देना है वीकर सेक्शन को। ठीक है, और एक और चीज़, इन्होंने एक ही कंडीशन तो लगाई थी ना, 18% में से 10% इनका जो होना चाहिए वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए होना चाहिए, और 8% अदर्स के लिए होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ कंडीशन बताई है कि ऑल्सो आउट ऑफ 18% एग्रीकल्चर 13.5% नॉन एग्रीकल्चर फार्मर्स को देना है। नॉन एग्रीकल्चर फार्मर्स मतलब जो कॉरपोरेट फार्मिंग नहीं करते हैं, उनको देना है। ठीक है, एक बार ये नोट कर लेना जिसके पॉइंट्स एक के लिए। अब आपको एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए टारगेट है 75% का, और उन्हें 12% तो देना ही है वीकर सेक्शंस को। उसके अलावा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ना, उनके लिए जो 75% का टारगेट भी है ना, ये भी फेज मैनर में है। तो जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए जो 75% ऑफ द ANBC उन्हें देना है, उन्हें ये भी फेज मैनर में ही देना है। तो मैंने आपको ये चीज़ गांठ बांध के नोट कर लो कि जो फेज मेन अल्टीमेट टारगेट है हमारा फेज मैनर में, वो अल्टीमेट वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ही है। तो अगर अब वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इन्हें प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 60% ही देना है।
उसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना चल रहा था हमारे 50%, तो पहले 50% ऑफ ANBC था रूल, उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उसके लिए 60% ऑफ द ANBC है, और जो नेक्स्ट अल्टीमेट टारगेट इनका है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2024 तक है 75% ऑफ द ANBC। अगर आपको ये यहाँ से नहीं समझ आ रहा, आप अच्छे से एक डिटेल्ड वीडियो देख लेना, यहाँ पे जस्ट नोट्स हैं, आपको क्रक्स मिल जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये अल्टीमेट पॉइंट्स हैं, यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं ना आपको सारे सेक्टर्स के बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। देखो जो एग्रीकल्चर, हमने 8 सेक्टर्स पढ़े हैं ना यहाँ पे और सीमा के नाम से, हाउसिंग, अदर्स, रीन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, क्रेडिट, एजुकेशन, MSME, एग्रीकल्चर, ताकि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, हमने 8 सेक्टर्स पढ़े प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत। तो हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो इसके लिए मैं बता देती हूँ, जो एग्रीकल्चर है उसमें सिर्फ खेती बाड़ी ही नहीं आएगी, फार्म क्रेडिट के साथ साथ और भी अलाइड सर्विसेज होती है ना, जैसे डायरी हो गया, फिशरी हो गया, पोल्ट्री फार्म्स हो गया, बी कीपिंग हो गया, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब कुछ भी इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लोन चाहिए इसके अंतर्गत ही, कोल्ड स्टोरेज के लिए, ग्राउंड्स के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, या फिर एग्रीकल्चर के लिए आपको क्लिनिक खोलना है, एग्री क्लिनिक्स हो गए, एग्री बिजनेस हो गई, ये सब कुछ भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट बनेंगे। मतलब अगर आप इस इनमें से किसी भी कैटेगरी में लोन दे रहे हो तो वो आपके PSL में काउंट होगा, बैंक के, बैंक का जो PSL है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट है, उसमें काउंट होगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स भी काउंट होगा। उसके बाद अभी मैं आपको MSME के बारे में बता रही हूँ। देखो जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर है उसके अंतर्गत आप जितने भी लोन्स दे रहे हो वो सब काउंट होंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि कितने करोड़ तक के लोन्स अलाउड है फॉर द स्टार्टअप्स, तो कितने तक के अलाउड है, 50 करोड़, लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप विल बी काउंटेड इन द PSL ऑफ द MSME, ठीक है। अब अगर आपको एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो तो कितने कितनी कितनी लिमिट है, कितने तक वो PSL में काउंट होंगे, तो 20 लाख पर, मतलब पर बंदे, तो को आप 20 लाख तक लोन दे रहे हो ना, तो वो PSL में काउंट होगा, पर मतलब पर इंडिविजुअल 20 लाख का अलाउड है एजुकेशन सेक्टर में। ये इंडिविजुअल लिमिट्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तभी कहते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हाउसिंग है, तो अगर बंदा मेट्रोपोलिटन सेंटर में रह रहा है, मतलब मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में रह रहा है, तो अगर वो हाउसिंग के लिए लोन ले रहा है अप टू 35 लाख, अगर वो कहीं और जगह रह रहा है जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, वहाँ पे 25 लाख तक का लोन उसका हाउसिंग में PSL में काउंट होगा। पर एक और चीज़ यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो आप घर बना रहे हो, हाउसिंग है आपकी, उसकी एक्चुअल वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आपको 35 लाख का लोन मिलेगा। और अगर आप अदर सेंटर्स में रह रहे हो, उसकी जो घर की कॉस्ट है, कॉस्ट अप टू 30 लाख है, और वो लोन दे रहा है अप टू 25 लाख, तो वो PSL के अंतर्गत काउंट होगा। अगर सपोज आप बैंक एम्प्लॉय बन गए फ्यूचर वाले टाइम में, तो आप वहाँ पे लोन्स ले रहे हो बैंकिंग एम्प्लॉयज, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे हाउसिंग अंडर द PSL सेक्शन, ठीक है। अगर हम रिपेयर्स कर रहे हैं, अगर हमारी जो हाउसिंग है उसके अंतर्गत हम रिपेयर्स कर रहे हैं, तो अगर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में रिपेयर्स कर रहे हैं, तो 10 लाख तक का जो लोन है वो हाउसिंग रिपेयर्स के अंडर हाउसिंग में PSL में काउंट होगा, और जो अदर एरियाज है वहाँ पे अप टू 6 लाख तक PSL में काउंट होगा। रिपेयर्स ड्वेलिंग यूनिट्स, ड्वेलिंग यूनिट मतलब जो हाउसिंग है, ठीक है। यहाँ से सारी लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी नोट्स प्रॉपरली बना लेना। उसके बाद आ जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया, अगर स्कूल्स खोलने हैं आपको, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज देनी है, सैनिटेशन की देनी है, तो इसके अंतर्गत कितने का लोन अलाउड है, 5 करोड़ का, अप टू 5 करोड़। देखो MSME में है 50 करोड़, एजुकेशन में है 20 लाख, हाउसिंग के लिए 35 और 25 याद रख लेना, और रिपेयर के लिए 10 और 6 लाख याद रख लेना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है 5 करोड़ तक का लोन। और एक और चीज़, अगर किसी को हेल्थ केयर, ये एडिशनल पॉइंट है, ये जस्ट ऐसे ही नोट कर लेना एक बार याद करने के लिए, जो Tier 2 to Tier 6 सेंटर्स हैं, ये ऐसे ही लर्न कर लेना, इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस लर्न कर लेना। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं अंडर आयुष्मान भारत, वो लोन ले सकते हैं 10 करोड़ तक का, वैसे तो 5 करोड़ का अलाउड है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर, बट जो Tier 2 से लेके Tier 6 सेंटर्स हैं और उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज देनी है स्पेशली अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, तो उनको 10 करोड़ का मिल सकता है। वैसे तो 5 करोड़ तक का है, बट ये वाली स्कीम के अंतर्गत ये वाले सिटीज में 10 करोड़ तक का अलाउड है। उसके बाद आ जाता है रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी में क्या आ गया, हमारा सोलर सिस्टम आ गया, विंड मिल आ गया, एक्सेट्रा। इसमें अगर इंडिविजुअल को अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना है सपोज छत पे, तो उसको अलाउड है अप टू 10 लाख का, बट यूजुअली अगर हम बात करें तो 30 करोड़ का इंडिविजुअल के लिए, 10 लाख पर बोरोवर, अदरवाइज अगर कोई कंपनी है, कॉरपोरेशन है, वैसे आप लगा लो, तो उसके लिए है लिमिट 30 करोड़। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है या वैसे पूछ रहा है। अब वीकर सेक्शंस, मैंने आपको बताया था ना, वीकर सेक्शंस के लिए हमने पढ़ा था 12% है हर जगह मोस्टली, तो वीकर सेक्शन में क्या क्या कवर होता है, वीकर सेक्शन में क्या क्या काउंट होगा। अगर आप किसी SC को लोन दे रहे हो, शेड्यूल कास्ट को दे रहे हो, शेड्यूल ट्राइब को दे रहे हो, कोई बंदा डिसेबल्ड है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको दे रहे हो आप, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स को दे रहे हो,
रहे हो, माइनॉरिटी सेक्शंस को दे रहे हो, कोई आर्टिसन है, कॉटेज इंडस्ट्री है वाले हैं, विलेज इंडस्ट्री वाले हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज हैं, उनको 1 लाख तक का आप लोन दे रहे हो, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत किसी रूरल एरिया में 1 लाख तक का लोन दे रहे हो, जिनकी हाउस होल्ड एनुअल इनकम 1 लाख तक है उनको दे रहे हो, या अर्बन एरिया में जिनको 1,60,000 तक की उनकी जो एनुअल इनकम है। मैं आपको बताती हूँ ये पॉइंट ध्यान से, जो देखो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, उसके अंतर्गत हमें ओवरड्राफ्ट अलाउड है 10,000 रुपीज़ का। इसको मैं ध्यान से मतलब आपको और डिटेल में करवाऊंगी आगे। तो अगर किसी की हाउस होल्ड एनुअल इनकम रूरल एरिया में 1 लाख तक है या किसी अर्बन एरिया में 1,60,000 तक है, तो ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, मतलब 10,000 तक का। जो ये 10,000 का वो ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं वो PSL में काउंट होगा। अब कोई डिस्ट्रेस्ड फार्मर है या फिर कोई पर्सन है अदर देन फार्मर, उनको 1 लाख से कम होना चाहिए उनका लोन, उनको दे रहे हो, तो वो भी वीकर सेक्शन में काउंट होगा। और मतलब ये सारे पॉइंट्स हैं जो वीकर सेक्शन के अंडर कवर होंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको सबको नोट्स कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।